तो अभी मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर मूली है और मेरे पीछे देख सकते हैं हमारा गांव है। बाकी अभी के टाइम पे ना बारिश थोड़ी बहुत सी बंद हो रखी है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी अभी लगी हुई है। बाकी कोहरा देख सकते हैं भाई, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। और आज पूर्णिया नदी ना इतनी ज्यादा उफान पे आ रखी है ना भाई। इस वाले सगवाड़े में हमने बो रखे हैं मक्का और यहाँ पर साथ ही खीरा की वेल भी हो रही है। तो नीचे वाले सगवाड़े से खीरा की वेल यहाँ तक आ गई है और यहाँ जो ये ऊपर वाले खेत में बो रखे हमने तो ये तो काफी बड़ी हो गई है ऊपर तक। तो अब इनमें धीरे धीरे से खीरा लगने भी शुरू हो जाएगी। सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट फिर से आ चुका हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैं महावीर स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों से एंड हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आजकल मेरे काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, तो रीज़न ये था हमारे गाय भैंस चले गए हैं दूसरे डांडे में। तो ब्लॉग तो मैंने एक दो शूट करके रखे हुए हैं, बाकी ब्लॉग अपलोड करने का आजकल ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैंने ब्लॉग शूट करने का मेरा प्लान बना, तो इस ब्लॉग को छोटा सा ही बनाऊंगा मैं ताकि ब्लॉग आसानी से अपलोड हो जाएगा। बाकी हरे भरे पहाड़ों को देखो, आजकल कितने सुहाने सुहाने पहाड़ हो गए हैं आजकल। बाकी यहाँ पर देखो यार, इस वाले सगवाड़े में हमने बो रखी है मूली, तो मूली यहाँ पर बहुत बढ़िया हो रखी है, बहुत अच्छी हो रखी है। बाकी यहाँ पर हमने एक दो माल्टा के पेड़ भी लगा रखे हैं। बाकी ये है पूरे छीमी के पेड़ और यहाँ पर लगा रखे हमने पिंडालू और यहाँ पर फिर हल्दी बो रखी है। तो हल्दी भी हमारी काफ़ी ज़्यादा फैल गई है आजकल। बाकी पिंडालू वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी बो रखा था, यहाँ पर फिर निकाल लिया फिलहाल और यहाँ पीछे भी बो रखी है। बाकी खीरे की वेल है और यहाँ पर उधर सूर्यमुखी का पेड़ भी बो रखे हमने। बाकी अभी का मौसम देखो भाई, कितना सुहाना मौसम अभी हो रखे है। बाकी अभी मुझे जाना है ठीक वहाँ जहाँ की गौशाला चमक रही है, तो वहाँ जाना है मुझे अभी। हरियाली तो आजकल पहाड़ में चार चांद लगा देती है और ये कोहरा ना ऊपर वाला तो गजब का माहौल बना रहा है। बाकी यहाँ देखो भाई, तो अभी फिलहाल मेरा प्लान बन रहा है मैं इस ओर घूमने के लिए जाऊँ। तो घूमने के लिए क्या, हमारे वहाँ गौशाला भी है, तो वहाँ हमारे गाय भैंस कब से नहीं है, तो वहाँ आज जाऊँगा मैं। तो आज जहाँ की मतलब कल तक मैं रहता था वहाँ आज मैंने पापा को भेज रखा है। तो आज चलते ही यहाँ इस ओर के लिए ऊपर जहाँ की हमारे गौशाला है वहाँ चलते हैं आज, फिर दिखाते हैं आपको वीडियो में आगे। बाकी आज सुबह से बारिश लगी हुई थी, अभी भी हल्की फुल्की बारिश आ रही है। फिलहाल मैं चलता हूँ छाता लेकर के ठीक उस साइड के लिए। तो चलते हैं फटाफट से, मिलते हैं आपको रास्ते में आगे। तो अभी गर्मा गर्म चाय का मजा लेते हैं इन खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों से। तो चले जी, घर से रेडी हो चुका हूँ मैं अभी जाने के लिए। तो चलते हैं फटाफट से ठीक वहाँ उस वाले जंगल में। तो अभी हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी लग गई है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, चलते हैं फटाफट से। वो देखो अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपनी गौशाला के सामने और यहाँ देखो भाई, हमारे गौशाला के पीछे ना पूरा पुस्ता टूट चुका है ठीक ऊपर रास्ते से, यहाँ हमारे गौशाला के पीछे टूट गया है। तो ये रे भाई पूर्णिया नदी जो कि आज काफ़ी ज़्यादा उफान पे आ रखी है। बाकी यहाँ नीचे से देखो जो ये खेत खाली खाली से हो रखे हैं, वाले खेतों में हमने बो रखी थी चीणा। तो चीणा मतलब ये चूड़ा होता है जिनका, तो चूड़ा तो वैसे धान का भी होता है, तो चीणा का भी चूड़ा होता है। तो ये आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे कभी। बाकी अभी नदी देखो भाई कितनी ज़्यादा आ रखी है। बाकी मुझे जाना है ठीक वहाँ इन वाले बादलों के नीचे पे। तो आजकल देखो यार हरियाली, चारों तरफ हरियाली हरियाली छा रही। बाकी झंगोरा देखो यार, झंगोरा पे कितनी बड़ी बाल आ गई है। तो अब झंगोरा भी अगले महीने झंगोरे की कटाई भी हो जाएगी। तो आजकल देखो झंगोरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है और जो ये खाली खाली खेत हो रखी थी इनमें बो रखी थी चीणा। चलते हैं अभी फटाफट से, और बारिश भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी आने पर लग गई है फिर से दोबारा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे पास छतरी है, तो चलो फटाफट चलते हैं। बाकी जब बारिश आती है तो ये वाला गद्देरे का पानी ना पूरा भाई यहाँ तक पूरा पानी पानी हो जाता है। बाकी देखो यार धान भी आजकल इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो अगले महीने शायद धान की कटाई भी हो जाती है। तो देखो भाई धान भी कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो इस पर ना छोटी छोटी धान भी आने पर लग गई है।
बाकी इस प्रकार से रहा कुछ अपना रास्ता। बाकी आजकल देखो पहाड़ों की महिलाएं ना जो झंगोरा के अंदर की जो घास होती है तो इस वाली घास को आजकल काट रहे हैं गाय भैंसों के लिए। तो ये नीचे वाले खेत में देखो अलग ही प्रकार का झंगोरा है और यहाँ ऊपर वाले खेत में देखो अलग ही प्रकार का झंगोरा है। तो ये झंगोरा ऐसा लग रहा है कि पक गया भाई। तो देखो इस वाले खेत में भी ये सही झंगोरा है, तो ऐसा लग रहा है कि पक गया ये झंगोरा। तो दो दो प्रकार के झंगोरा भाई, ये शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा झंगोरा। ये देखो भाई ऐसा झंगोरा शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो अभी मैं फिलहाल पहुंच चुका हूँ अपनी जंगल वाली गौशाला में। तो ये रही भाई हमारी जंगल वाली गौशाला। तो काफ़ी महीनों बाद आ रहा हूँ मैं आज यहाँ पर। यहाँ देखो हमने मिर्च बो रखे थे भाई, यहाँ हमने नीचे मिर्च बो रखे थे और यहाँ दे यहाँ से गांव का व्यू चेक करो भाई कितना अल्टीमेट लग रहा है। और आजकल ना देखो पहाड़ों में जगह जगह पर झरना झरना दिखाई दे रहे हैं। आजकल बारिश के कारण कहीं सारे झरना दिखाई देते हैं। बाकी इस साल देखो यार हमारे ज़्यादा मिर्च भी नहीं हो रखे हैं और खीरा भी ज़्यादा, खीरा की वेल भी अभी छोटी छोटी है, बड़ी भी नहीं हो रही है और एक थोड़ी बहुत बड़ी हो गई है। और यहाँ बोर किया हमने वही पीछे मूली बोर किया हमने यहाँ। बाकी मूली भी देखो मतलब बेकार हो गया यार, यहाँ से हमारे भैंस ही के आ गए तो पूरा बेकार हो गया। बाकी अब मैं क्या करता हूँ ये वाली मूली को फटाफट से मैं इसकी झाड़ निकालता हूँ इस वाले की, फिर चलते हैं यहाँ से घर। तो अभी मेरे पीछे देख सकती है यहाँ पर मूली है और मेरे पीछे देख सकती कितना गजब का व्यू है और मेरे पीछे देख सकते हमारा गांव है। तो यहाँ से पीछे को देख सकते मेरा गांव है। तो इस प्रकार से हमारा गांव यहाँ से कुछ दिखाई देता है। बाकी अभी बारिश लगी हुई है हल्की फुल्की और मैं मूली में जो झाड़ दिख रही है तो इस वाली झाड़ को निकालूंगा भाई, यानी कि मूली में जो भी घास हो रही है तो उस वाली घास को मैं यहाँ से निकालूंगा। तो निकालते हैं फटाफट से और इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। मैं वीरू पहाड़ी जल्द ही मिलूंगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।